हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मुगल स्थापत्य कला यानी मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में हमने अभी तक बाबर के बारे में जाना, हुमायूं के बारे में जाना। अभी हम यहाँ पर अगली क्लास, हमारी जो ये वाली क्लास है, इसमें हम अकबर के समय के चित्रकला और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोग बाकायदा हमारे साथ जुड़िए और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप सभी लोग, जैसे जिस जो भी बच्चे कला अध्यापक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, चित्रकला के मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और बाकायदा पूरी 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 वीडियो जो है आप अंत तक देखते रहिए। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, स्वीटी चौधरी जी, वेरी गुड इवनिंग। प्रियंका वर्णवाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, सही बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप अंत तक बने रहिएगा, हटिएगा बिल्कुल से नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुगल कला में, मुगल चित्रकला में, मुगल चित्रकला में अकबर इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला में अकबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर का काल बहुत लंबा रहा है और अकबर की कला के प्रति रुचि जो रही है वो काफी रही है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझ के रखना होगा। सबसे पहले हम जनरल बात करेंगे कि अकबर के बारे में। तो अकबर की जनरल सी बात करें तो 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1500, ठीक है, 42 ईस्वी में अमरकोट के किले में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ हम बात करें अन्य नाम की, तो अकबर आजम यानी अकबर महान, शहंशाह अकबर या महाबली शहंशाह। पिता की बात करें तो हुमायूं, माता हमीदा बानो। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालानौर, ठीक है, कालानौर बोला गया है, पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरदासपुर, ठीक, गुरदासपुर में, पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर 13 वर्ष 4 माह की आयु में यहाँ इनका, हाँ हाँ बिल्कुल सही। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है प्रियंका जी, सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि यहाँ ये टॉपिक जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अकबर ही आज पूरा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है, बड़े लेवल पर है। ठीक है, सारे टॉपिक हम सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ। अकबर और सेनापति बैरम खां तथा शेरशाह सूरी के सेनापति हेमू के बीच हुआ, जिनमें से अकबर विजयी हुआ और हेमू हारा। ठीक है, ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से ही अकबर का अपना कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बैरम खां इनके संरक्षक थे और कई लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं। अकबर ने 6 फरवरी 1562 ईस्वी में आमेर के कछवाहा राजपूत, ठीक है, भारमल यानी जिन बिहारी मल कहा गया है, जिनकी पुत्री जोधाबाई, जोधाबाई का नाम जो है दूसरा भी था, ठीक है, जोधाबाई, जिनको हम क्या कहते हैं, हरखाबाई, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखोगे, जोधाबाई या हरखाबाई से इन्होंने विवाह किया था। 1570 ईस्वी में इसने अनेक लड़ाइयां लड़ी और सांस्कृतिक उत्थान में अपनी बहुत भूमिका निभाई। देखिए, पॉइंट्स हैं यहां पर, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, देखिए, इन्होंने 1570 के बाद की बात की जाए तो लगभग लगभग ये अपने पूरे कार्यकाल में, यानी जब से इनका राज्याभिषेक हुआ और 1605 ईस्वी तक की बात करें तो 1600 तक युद्ध लड़े हैं। लेकिन इनका जो रुझान आया है, जो कला के प्रति, वो 1570 के बाद आया है। वही कहा गया कि 1570 तक इसने अनेक लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद सांस्कृतिक उत्थान में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ किया। पढ़ा लिखा ना होते हुए भी साहित्य और कला का बड़ा प्रेमी था अकबर। अंगूठा टेक थे, ये ध्यान रखोगे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अकबर ने सुलह, सुलह ये कुल, ध्यान रखोगे, सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत स्थापित किया था, दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, उदारता का परिचय दिया, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रकार के लोगों को यहाँ पे एक कॉमन लाने की बात की। तो अकबर को ये पता था कि भारत जैसे भूभाग पर
अपना साम्राज्य विस्तार करना छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो हिंदुओं का देश है और राजपूत राजा जो राजस्थान का इलाका था वहां पर फतेह करना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए राजपूतों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इनके ही चाचा कामरान और बहुत सारे लोग जो इनके विद्रोही थे उन्होंने इस बात को ले करके अकबर को प्रेरित किया कि राजपूतों के साथ अपना संबंध अच्छा करो, और वही हुआ। पहला संबंध भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह करके इन्होंने किया। तो इस प्रकार से ये तो बात थी जर्नल, जिनको बस जनरली जानना होगा। हम चलेंगे अकबर काल की कला के बारे में जानने। अकबर कालीन कला, ठीक है। देखिए कला के मामले में हिंदू जो सम्राट विक्रमादित्य हुए उनके साथ अकबर की तुलना की जाती है, ठीक है। नवरत्न थे इनके समय में, नवरत्न थे, नवरत्नों को भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखोगे। ठीक है, अबुल फजल, अकबर के नवरत्न की हम बात करें तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खानखाना। अब्दुल रहीम खानखाना की हम बात करें तो ये बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। हकीम हुक्काम और मुल्ला दोपियाजा, ठीक है। ये नौ रत्न हैं अकबर के, ठीक है। हम एक एक नौ रत्नों पर बात करेंगे। जैसे कि अबुल फजल की हम बात करें तो अबुल फजल, जिनके बारे में आपको जान के रखना होगा, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। ध्यान रखोगे अबुल फजल की हत्या सलीम ने करवाई थी बीर सिंह बुंदेला से, वह भी 1602 ईस्वी के समय में। आईने अकबरी की जो ये लिख रहे थे उसी टाइम की बात है, क्योंकि यहाँ पर सलीम जो हैं जिनको यहाँ जहांगीर कहा गया है इन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। अगले आ जाते हैं फैजी। फैजी फारसी कवि यानी गणित के शिक्षक थे। इन्होंने लीलावती, लीलावती आप सभी जानते हो, एक ग्रंथ है जिसका फारसी अनुवाद किया। लीलावती एक गणित ग्रंथ है और इसका फारसी अनुवाद करने का काम, ठीक है, किसने किया? फैजी ने किया। तानसेन की बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार हुए, ठीक है, संगीत सम्राट कहे जाते हैं ये। इनका बचपन का नाम राम तनु पांडे था, राम तनु पांडे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखोगे। तानसेन ने वाद्य में रुद्रवीणा का आविष्कार किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रुद्रवीणा का आविष्कार, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे बच्चों, रुद्रवीणा का जो आविष्कार है वह तानसेन ने किया है, ठीक है। बीरबल की बात करें तो बीरबल जो है वो विशेष सलाहकार था, राजा अकबर के साथ उसका रहना होता था, बीरबल विशेष सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे जो बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। अब्दुल रहीम ने नगर शोभा की रचना की, 12 बाबर नामा का फारसी अनुवाद भी किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने जिसको कहा जाता है बाकायत बावरी, ठीक है, बाकायत ए बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया है, क्योंकि तुर्क चगुताई भाषा में बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें आप सभी जानते हो कि बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा गया है, इसी बात को लेकर के। तो यहां पर नगर शोभा की रचना, यानी नगर शोभा की रचना और बाकायत बाबरी की रचना, फारसी अनुवाद इन्होंने किया। राजा टोडरमल की बात करें तो राजस्व और वित्त मंत्री थे ये। विश्व की प्रथम भूमि पैमाइश माप प्रणाली जो है इन्होंने तैयार की थी, ठीक है। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह की हम बात करें तो ये बिल्कुल जोधाबाई के ही रिलेशन में आते थे, जोधाबाई के रिलेशन में, भारमल के ही घर के ही हैं। हाँ, राजा मानसिंह को इतना मान मिला कि इनको प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था, और राजा मानसिंह ने अकबर के पक्ष में कई युद्ध लड़े और जीते भी, ठीक है। राजा मानसिंह भारमल के पुत्र, देखो क्लियर, भारमल के पुत्र हैं, ठीक है, भारमल के पुत्र और आमेर के राजा थे, ठीक है। हकीम हुक्काम की बात करें तो ये चिकित्सक और रसोइयां थे, यानी रसोई घर का काम भी देखते थे हकीम हुक्काम,
मुल्ला दो प्याजा जो थे वो सलाहकार थे, ठीक है, एक बात ध्यान रखोगे। और ये बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि बीरबल और मुल्ला दो प्याजा में चलता रहता था, क्योंकि बीरबल को ज्यादा मानते थे अकबर। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमत्ता स्थापित करने के लिए बीरबल से हमेशा चुटकुले किया करते थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये थी बात नवरत्न की। अकबर के नवरत्न पर कोई क्वेश्चन बने तो वह आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे तस्वीर खाना या चित्रशाला की, जो कि अकबर ने बनवाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिस प्रकार फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया गया था, उसी प्रकार से तस्वीर खाना या चित्रशाला का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। इसको अकबर का आर्ट स्टूडियो कहा जाता है। आर्ट स्टूडियो क्वेश्चन आता है, आर्ट स्टूडियो, अकबर का आर्ट स्टूडियो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखोगे तस्वीर खाना जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, यहां कुल 6 गुजराती थे, 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार का वर्णन मिलता है, परंतु बाकायते बाबरी जो अब हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाकायते बाबरी ये इन पर अभी चर्चा करेंगे। अभी हमने अब्दुल रहीम खानखाना पर कुछ बोला है तो वो भी पॉइंट क्लियर कर देंगे। बाकायते बाबरी के अनुसार 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकार थे, ऐसा पता चलता है। तो ये बात थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखोगे। अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू कलाकार थे, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सारे एक एक पॉइंट्स जो हमने आपसे बात की है ये यहां पूछे जाने वाले प्रश्न ही हैं, ठीक है। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल जो हुए जिन्होंने आईने अकबरी लिखा है उसके अनुसार 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति अकबर ने की थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्य की बात करें तो 1570 से लेकर के 1585 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 15 साल तक चित्रशाला का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहा। 1575 की हम बात करें तो 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा घर की स्थापना कराई थी। इबादत खाना, अब इबादत खाना की हम बात करें बच्चों, अभी मैंने बताया कि पहले तस्वीर खाना बना फिर इबादत खाना बना। इबादत खाना में क्या होता था कि उस समय के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी धर्म, यहाँ तक कि कह लीजिए नास्तिक लोग भी यहाँ आ करके शास्त्रार्थ किया करते थे और इस शास्त्रार्थ में अकबर भी भाग लेता था, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया था इबादत खाना, ठीक। अब कुछ बात करें तो प्रमुख चित्रकारों की, अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार की बात करें तो प्रमुख देखिए कलमाक से फारूक हुए और अब्दुस्मद। अब्दुस्मद जो हैं वो सिराज नामक शहर से थे, इसलिए इनको अब्दुस्मद सिराजी कहते हैं। तबरेज से मीर सैयद अली जुदाई इनका पीछे नाम था, ठीक है, तो ये तबरेज से थे। दसवंत, बशावन, केशव, शावल, लाल, जगन्नाथ, ठीक है, नंद ग्वालिरी, भीम गुजराती, धर्मदासु, मुकुंद, मधु, ऐसे करके जगन, तारा, खेमकान, हरवंश और महेश राम, ऐसे कई कलाकार चित्रकार हुए हैं इनके समय में, ठीक है। इन सभी चित्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इनके जो मेन प्रमुख चित्रकार रहे हैं उसमें से यहां पर कलमाक यानी अब्दुस्मद रहे हैं मेन, पॉइंट कर लीजिएगा। मीर सैयद अली मेन रहे हैं, दसवंत रहे हैं, बसावन रहे हैं, शावल रहे हैं और केशव रहे हैं। ये कुछ ऐसे कलाकार हैं, चित्रकार हैं जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल से तय है। तो सभी लोग जो है बढ़िया से इसको करते चलेंगे। चलो अब यहां पर हमने चित्रकारों को जाना, अब हम कुछ चित्रित ग्रंथों को समझेंगे। अकबर काल में जो चित्रित ग्रंथ हुए हैं उनके बारे में हमें जानना है। काल की बात करें तो ग्रंथों को विषयों के आधार पर बांटा गया है 4 भागों में। जैसे पहला आता है अभारतीय कथाओं के चित्र। अभारतीय मतलब वह ग्रंथ जो भारत के कथा से संबंध नहीं रखते हैं, जैसे कि दास्ताने आमिर हमजा या कह लीजिए इसे हमजा नामा, जो एक किताब है, ये ईरान की किताब है। अभी इसके बारे में सब पर हर एक किताब पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। दूसरा तूती नामा, तीसरा दीवाने हाफिज और चौथा है खामसा निजामी। तो ये 4 ऐसी किताबें हैं जो भारतीय नहीं है,
अभारतीय कथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे की बात करें तो अगले कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें से जैसे रजमनामा, अनवार सुहैली, इन किताबों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अय्यार दानिश, कलीलाह दिमनाह, रामायण, चंगेजनामा, जफरनामा, नल दमयंती, कुछ ऐसी किताबें हैं जो भारतीय कथाओं पर आधारित हैं और भारतीय कथाओं का ही कुछ अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यह बात भी आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। ठीक है, हाँ रश्मि शुक्ला जी, वेरी गुड इवनिंग, हाँ बहुत अच्छा, पढ़ते रहो बेटा, सब लोग बढ़िया से पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बता दिया आपको। अकबर, हम लोग यहाँ मुगल चित्रकला में अकबर जहाँ देख रहे हैं और अकबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप भी जानते हो, तो इसको पॉइंट कर लीजिएगा। एक एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम एक एक किताब के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे, कौन सी प्रति कहाँ पर क्या है। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए। अब ऐतिहासिक चित्र की बात करें तो कई किताबें हैं यहाँ पे, जैसे तैमूरनामा खानदाने तैमूरिया, यानी तैमूर वंश के लोगों के बारे में। बाबरनामा, बाबर की बात की गई, जैसे बाकायदे बाबरी कहा। अकबरनामा, अकबर के बारे में बात। आईने अकबरी, अकबर के नाम बात। दरावनामा, तारीख अल्फी, जोग बहिस्ते, निजामी खमसा, ठीक है, योग वशिष्ठ, जामी तबारिक, हाजिफ, ठीक है, हाफिज का दीवान, दीवान शाही, हरिवंश पुराण, ठीक है, ऐसी किताबें हैं जैसे नहा नफाहत उल उन्स, बहस्तारी जामी, आमिर खुसरो का खमसा, सादी का गुलिस्ता, ऐसी किताबें हैं। ये सभी किताबें जो ऐतिहासिक हैं, जिन पर हम एक एक करके आपसे अभी चर्चा करेंगे। हाँ, फिर अगला जो पार्ट आता है वो व्यक्ति चित्र आता है। व्यक्ति चित्र में हम बात करें तो व्यक्ति चित्र में जफरनामा, अकबरनामा, बाकायदे बाबरी और तैमूरनामा, ये कुछ व्यक्ति चित्र से संबंध रखते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय कथाओं, जिसमें से पहली किताब है हमजानामा। ठीक है बच्चों, अब हमजानामा, इस किताब की बात की जाए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यही चीज हम बेटा लिख करके इसको बताते समय लगता, पॉइंट बगल में है, एक्सप्लेन करना मेरा काम है, बढ़िया से आपको बता दूंगा, तैयार कर डालोगे, बिल्कुल से क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमजानामा। हमजानामा ग्रंथ की बात करें तो मोहम्मद साहब, आप सभी जानते हो इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन थे, नाम था अमीर हमजा। नाम क्या था? अमीर हमजा। और अमीर हमजा जो है उन्हीं की ये कहानी है। पहले के समय में अमीर हमजा हजरत मोहम्मद साहब के विरोधी थे, लेकिन बाद में वह जो है हमजा जो थे वो अनुयायी बन गए थे। फारसी नायक अमीर हमजा, ये हजरत मोहम्मद साहब जी के चाचा थे। ठीक है, कि वीरता की रोचक कथाएं ही अमीर हमजा में दिया गया है, जो कि हमजानामा किताब में अमीर हमजा के वीर रोचक कथाएं जो हैं वह इसमें दी गई हैं, यही बताया गया है। ये नॉर्मल सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमजानामा में क्या है, तो अमीर हमजा के बारे में वर्णन किया गया है, और ये हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन थे, ये पहले हजरत मोहम्मद साहब के वसूलों के खिलाफ थे, बाद में ये उनके अनुयायी बन गए थे, और ये हजरत साहब जी के चाचा हैं। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है इस किताब के चित्रण को लेकर के, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 1567 से लेकर 1582 के मध्य इस पूरी किताब के चित्रण की बात कर रहा हूं, चित्रण जो है वो 1567 से 1582 के मध्य पूरा हुआ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, चित्रों का जो निर्माण है वो 67.5 × 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और यदि हम बात करें इंच की बात करें तो 28 × 22 इंच के कैनवास यानी कपड़े पर आरोपित किया गया कागज, कैनवास का मतलब होता है कपड़े पर आरोपित किया गया कागज के धरातल पर बनाया गया है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, जो चित्रण कार्य हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रत्येक चित्र में सम्मुख भाग पर क्या बताया गया, काजबीन यानी मुंशी में काजबीन में चित्रों पर विवरण है, जो चित्र बनाए गए हैं उनमें विवरण भी दिया गया है। ठीक है, चित्रण का कार्य ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी
सिराजी सीरी कलम भी कहा जाता है, सिराज शहर से हैं, इसीलिए इनको सिराजी उपाधि दिया गया है, के देख रेख में चलता रहा और इनकी चित्रावलियां मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल असमद सिराजी ने तैयार की। दो महान चित्रकार मीर सैयद अली, जिनको जुदाई नामक उपाधि से बोला गया है, जुदाई पीछे लगाते थे अपने नाम के पीछे, तो मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल असमद सिराजी, क्योंकि सिराज शहर से थे इसलिए सिराजी इनको बोला जाता है, इन दोनों महान भावों ने मिलकर के हमजानामा चित्रावली तैयार की। क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े अच्छे से इसको ध्यान में रखोगे, हमजानामा चित्रावली। अब बात आती है कि हमजानामा के बारे में और बात करें तो 150 चित्र प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे गुलुक ने संग्रहित कर 1925 ईस्वी में बियना जो है वहां से छपवाया था। 61 चित्र आज भी हैं म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना यानी ऑस्ट्रिया में आज भी सुरक्षित हैं, ठीक है। उनमें से 25 चित्र साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसलिए पॉइंट कर दिया हूं, 15 चित्र जो है वो अमेरिका के विभिन्न संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हाँ, अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वह 6 चित्र की है जो भारत में है, ठीक है, जिनमें से 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में और 2 चित्र मुंबई में, 1 चित्र हैदराबाद में और 1 चित्र बड़ौदा के संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, हमजानामा चित्रावली का जो 2 चित्र है वह भारत कला भवन वाराणसी में, 2 चित्र मुंबई में, 1 हैदराबाद में और 1 बड़ौदा संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। तो इतनी बात जो है आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए, यह थी हमजानामा की बात। अब बात करें तो यह चित्रों की बात करें तो चित्र अलंकारिक, ठीक है, अलंकारिक ना होकर, जो चित्र थे अलंकारिक ना होकर कैसे हैं, ये चित्र जो हैं घटना चित्र हैं, जैसे चित्रकारी तो की गई है लेकिन ये घटना चित्रकारी है, अलंकारिक नहीं है हमजानामा, ठीक है। ये कैसे हैं, दृष्टांत, ठीक है, ये दृष्टांत चित्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट बात है, दृष्टांत चित्र हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखोगे। रेखाओं में ईरानी कठोरता ना होकर कोमलता दिखाई गई है, ठीक है, एक चश्म चेहरा और परली आंख लिया गया है, यह भी ध्यान रखोगे, ठीक है, एक चश्म चेहरा, ठीक है, एक चश्म चेहरा व परली आंख, ठीक है, तो ये क्वालिटी है, एक चश्म चेहरा और परली आंख जो है यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखोगे, इसके बाद में हम और आगे चलेंगे। अगला हमारा कौन सा आता है, तूती नामा, अगला आ जाता है तूती नामा। देखिए तूती नामा की हम बात करें तो ये 1560 से 1568 के मध्य लिखी गई, ठीक है, और इसमें जो विषय है वो तोते का प्रेमालाप है, तोते का प्रेमालाप, तूती नामा मतलब तोते का प्रेमालाप, ठीक है। तो ध्यान रखोगे लिखा गया 1560 से 68 के मध्य में, अकबर कालीन तूती नामा के चित्र जो मिले वो 103 हैं, 103 चित्र हैं। चित्रकाल की बात करें तो 1580 से 85 यानी 1580 से 1585 के मध्य इसका चित्रण काल हुआ है और तूती नामा के 103 चित्र मिले हुए हैं। यह ईरानी कथा तथा मुगलिया रूप है, ठीक है, विशेषता हमजा चित्रों के समान है। विशेषता की बात करें तो तूती नामा की विशेषता जो है वो हमजा चित्रों के समान है, केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुक्तता है और भारतीय परंपरा के समीप भी है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। चित्रकार की बात करें तो कुछ चित्रों पर बसावंत दसवंत और इकबाल, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके नाम अंकित हैं। वर्तमान में यह चित्र प्रति, ठीक है, जो चित्र की जो प्रति है वो यहां पे क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट, ठीक है, क्लीवलैंड चेस्टर वेस्टी लाइब्रेरी डब्लिन में है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, तूती नामा के कुछ चित्र जो हैं वह लखनऊ संग्रहालय में भी स्थित हैं।
तो ये थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है तूतीनामा के जो भारतीय संग्रहालय हैं कहां पर कौन सी चीजें हैं उनको लेकर के। तो तूतीनामा का जो चित्र है वह उसकी कुछ प्रति जो है वो लखनऊ संग्रहालय में स्थित हैं, यह बात तुम्हें तूतीनामा को रिस्पेक्ट में ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगले किताब की बात करें तो दीवाने हाफिज, दीवाने हाफिज, हाफिज सीरा जी की शेरो शायरी की कवि किताब है जो अकबर के काल में चित्रित हुई। दीवाने हाफिज, ये हाफिज जो हैं सीरा जी, हाफिज सीरा जी कोई हैं जिनकी एक शेरो शायरी की किताब है जो छपी हुई थी। किताब में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान दिया गया है। इसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन, और दूसरी प्रति जो है वो चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन, और तीसरी प्रति रामपुर के, ठीक है, रामपुर के राजा पोथी खाने में सुरक्षित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, दीवाने हाफिज कहां पर है, तीसरी प्रति जो है कहां है, रामपुर के राजा के पोथी खाने में। तो रामपुर के राजा के पोथी खाने में यह सुरक्षित है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बनना कहां से है, किताब के बारे में यहां थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि किताब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी विषयों पर हम सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे आपसे। अब बात कर रहे हैं भारतीय कथाओं के चित्र की बात करें तो पहला आ जाता है रजमनामा। रजमनामा की हम बात करें तो महाभारत का फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका अब्दुल कादिर बदायमिनी ने अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद जो है वो किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदायमिनी, अब्दुल कादिर बदायमिनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा ने किया, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी तीन बड़ी सचित्र जिल्दें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यह एक वर्ष में यानी 1582 में बनकर तैयार हुई, और इनकी सचित्र प्रति 1588 में बनकर तैयार हुई, ठीक है। तो ये तैयार हुई और चित्र जो बने हैं इनके 88 में बने हैं। 50 चित्रकार लग करके 169 चित्र चित्रित किया है, कहां पर, रजमनामा में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 50 चित्रकार मिलकर के 169 चित्र चित्रित किए हैं रजमनामा में। 24 चित्रों में दसवंत के नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजमनामा में सर्वाधिक चित्रण किसने किया, सर्वाधिक चित्र किसने बनाए, तो रजमनामा में सर्वाधिक चित्र बनाए हैं दसवंत ने, जिनमें 24 चित्रों पर दसवंत का नाम है। नादिर शाह के आक्रमण से पहले मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई जयसिंह को भेंट दे दिया था। यह बात थोड़ा ध्यान रखोगे क्योंकि युद्ध की बात आती है, नादिर शाह के आक्रमण से पहले मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई जयसिंह, मोहम्मद शाह, ये बाद की बात है, उत्तर मुगल की बात है, ये औरंगजेब के बाद की बात है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये कहीं खराब ना हो जाए इसलिए दिया गया था। यह प्रति सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में आज भी सुरक्षित है, किसकी, रजमनामा की, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। दूसरी प्रति की बात की जाए तो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है, ठीक है। बसावन लाल तुलसी मिस्किन दसवंत आदि आदि ने इस ग्रंथ को चित्रित किया है, ठीक है। कर्नल टी एच हैंडले जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में 148 चित्र छापे थे, 148 चित्र, 169 चित्र हैं जिनमें से 148 चित्र कर्नल हैंडले ने अपनी किताब में छापे। ये रजमनामा है भैया, महाभारत का अनुवाद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, महाभारत का अनुवाद। इसके बाद में आता है अगला हमारा अनवार ए सुहैली, ठीक है। अगली किताब हमारी है अनवार ए सुहैली। अनवार ए सुहैली की हम बात करें तो यह पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है, ठीक है। पंचतंत्र, भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र जो है उसका ईरानी संस्करण है, यानी कि ईरानी भाषा में लिखी गई। इसकी चार प्रतियां मिलती हैं, जिनमें से 1558 की जो लाहौर में चित्रित की गई थी 27 चित्र मिलते हैं, जिस पर 16 कलाकारों का नाम उल्लेख है जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी चार प्रतियां हैं जिनमें से एक प्रति की बात की जाए जो 1558 की है, लाहौर में बनी थी वो, उसमें 27 चित्र हैं और 16 कलाकार का नाम मिलता है, और वह प्रति जो है भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, ये बात ध्यान रखोगे। दूसरी प्रति की बात करें जो 1570 में बनी, यानी कि अनवार सुहैली की जो दूसरी प्रति तैयार कराई गई वह बनी 1570 में, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में सुरक्षित है।
तीसरी प्रति जो है रामपुर स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में सुरक्षित है, और चौथी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। यहाँ इन दोनों में जो है बहुत ज्यादा चित्र नहीं है, तीसरी और चौथी में इसमें फुटकर चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ज्यादा चित्र नहीं, फुटकर चित्र हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करके रखोगे बेटा, ठीक। अगला आ जाता है अय्यारे दानिश, किताबों के नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अय्यारे दानिश पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद करने वाले मौलाना हुसैन फैज थे, इनका अनुवाद जो है अबुल फजल ने कलीला दिमनाह के आधार पर ही करवाया था, ठीक है, अकबर ने ही करवाया था, ठीक है। पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाली ये ग्रंथ है अय्यारे दानिश, 1588 में ये पूर्ण हुई थी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ये सुरक्षित है, तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे। कलीला दिमनाह की बात करें तो रुदगी कवि के द्वारा किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। और भी हम किताब की बात करें तो रामायण भी है, जिसकी सचित्र प्रति एक सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है, 1588 में इसका चित्रण हुआ, मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं तथा अन्य लेखकों ने मिलकर के इसका अनुवाद किया था, यदि रामायण का अनुवाद मौलाना अब्दुल कादिर बदायूंनी ने किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। चंगेजनामा की बात करें तो महाभारत का फारसी अनुवाद जफरनामा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। नल दमयंती की बात की जाए तो यह भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथों की, तो अगला आ जाता है तैमूरनामा। चित्रण की बात करें तो 1584 से 1586 ईस्वी में इसका चित्रण हुआ। अन्य नाम की बात करें तो तारीख़े खानदान तिमुरिया एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैमूर वंश से लेकर के अकबर के 1577, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तैमूर वंश से लेकर के अकबर के 1577 ईस्वी तक का चित्रण जो है वह इसमें मिलता है तैमूरनामा में, ठीक है। 132 चित्र मिलते हैं और अधिकतर चित्र जो है किसने बनाए हैं, दसवंत ने बनाए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखोगे। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में ये सुरक्षित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे अकबरनामा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोत्तम कृति है अकबरनामा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति, लेखन कार्य जो हुआ वो अब्दुल फजल द्वारा, ठीक है, 1589 से 1602 ईस्वी तक 13 वर्षों तक ये चलता रहा। कहा जाता है कि अकबरनामा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी, 3 जिल्दों में बटा हुआ है। प्रथम 2 जिल्द जो है वो इतिहास, और तीसरी जो जिल्द है वो आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन, खगोलीय कालचक्र यानी 30 वर्ष तक के मानव जाति के इतिहास का विवरण मिलता है, ऐसा इसमें बताया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल के 46वें वर्ष तक का, ठीक है, इतिहास मिलता है। ये ध्यान रखोगे 1602 ईस्वी में सलीम सिंह के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायतुल्लाह नाम के व्यक्ति हुए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तकमीते अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया था। कहा नहीं कि अकबरनामा जो है वो पूरी नहीं हुई थी, तो अकबरनामा को पूरा करने का काम, ठीक है, किसने किया, इनायते उल्लाह ने किया, तकमीते अकबरनामा लिख करके, ठीक है। इसमें सलीम के जन्म का सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये 6 भागों में बटा हुआ है, प्रथम जो है महल के बाहर दान बांटने वालों का, दूसरे में वादकों का, तीसरे में सलीम को स्नान कराते हुए, ठीक है, चतुर्थ में जच्चा माँ का कमरा और उनसे संबंधित चीजें हैं, और पंचम दृश्य में मोर गर्दन फुलाए छत पर बैठा दिखाया गया है, षष्ठम दृश्य में क्षितिज को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये 6 दृश्य सलीम के जन्म से संबंध रखते हैं, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है ये, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, सही बच्चों।
एक एक करके आप सभी लोग पढ़ते चलोगे। और जो ये चित्र है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में, ये चित्र सुरक्षित है। तो यहां तक के पॉइंट्स क्लियर रखोगे। इसके बाद में एक और चित्र यहां मिलता है, रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला एक प्रसिद्ध चित्र है, जो इसी ग्रंथ यानी अकबरनामा का है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखोगे। ठीक, कुछ चित्रों को हमने पॉइंट किया है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रणथंभौर किले की घेराबंदी का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा। ठीक है, इस शैली की बात करें, चित्र शैली की जो मिलता है, मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां यहां पर प्रस्तुत हुई हैं। अकबरनामा की सर्वश्रेष्ठ प्रति 117 चित्र हैं। ठीक है, जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। ठीक है, 117 चित्रों की ये प्रति है। प्रति के चित्रों में यथार्थता जो है वो अधिक उजागर हुई है। अकबरनामा की अन्य प्रति जो है वो 61 चित्र चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में है। अकबरनामा की बात करें तो अकबर का अधिकृत जीवन परिचय, जिसका चित्रण बसावन के साथ मिलकर कई चित्रकारों ने किया है, तो यहाँ पर अकबरनामा जो है वो ज़्यादातर बसावन ने बनाया है। तो ये थोड़ा सा बात यहाँ पर ध्यान में रखोगे बच्चों। ठीक है, अकबरनामा के बाद में अगली आ जाती है बाकायते बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं। बाकायते बाबरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अकबर के समय की बाबर की जो आत्मकथा है उसको कहा जाता है बाकायते बाबरी। ये अकबर के समय की है, क्योंकि बाबर के समय में बाबर ने स्वयं बाबरनामा लिखा था और अकबर के समय में उसी का ही फारसी रूपांतरण किया बाकायते बाबरी। ठीक है, इनकी कुल 5 प्रतियां हैं बाबरनामा का, फारसी अनुवाद खान खाना ने किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, नाम बाकायते बाबरी 1589 में ये तैयार, भेंट स्वरूप इसको अकबर को दिया गया। बाद में इनकी कई प्रतियां बनाई गई। ठीक है, एक प्रति आगरा कॉलेज से प्राप्त हुई है, जिसमें 378 पन्ने हैं, 378 पन्ने हैं, और इनमें 122 पन्नों पर 144 चित्र बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं और इस पर खेम जी का लेख भी मिला है। अधिकांशता इन चित्रों की पृष्ठभूमि सादी है। तो ये ध्यान रखोगे। उसके बाद में फिर इसकी अन्य प्रति की हम बात करें। ठीक है, तो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में इसके सुरक्षित हैं। ठीक है, मंसूर द्वारा बनाया गया पशु के सुंदर रेखांकन है, जो 1598 से 1600 ईस्वी के मध्य तैयार किया गया था। तीसरी प्रति रूस के मास्को के ओरिएंटल कल्चर संग्रहालय में है, 1598 से 1600 के बीच में तैयार हुई। यहाँ 69 चित्र जो कि 57 पृष्ठों पर हैं। ठीक है, इनमें अधिक जो है व्यक्ति चित्र हैं, व्यक्ति चित्र की अधिकता इसमें मिली हुई इनके प्रति में। चौथी प्रति जो है वो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय कैंसिंगटन लंदन में है, और पांचवी जो है वो लुब्र संग्रहालय में है। तो कुल मिला के ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, बोर नहीं होना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी सारी बातें क्या कर रहे हैं। देखिए, किताबों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि किताबों से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, बाकी और बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए, छोड़ना नहीं है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बाकायदा अच्छे से पढ़ते चलें। ठीक है, हरिवंश की बात करें तो फारसी अनुवाद है इसका। दराबनामा की बात करें तो जामी कवि काव्य का एक भाग है। ठीक है, इसमें बसामन, कान्हा, भूरा और मिस्किन नान्हा जैसे लोगों ने इसमें चित्रकारी की है। एक योग विशिष्ट है जिसको चेस्टर बेटी डबलिंग में है, ये जो भेजते यहाँ इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पॉइंट हमने कर दिया है। तिथि युक्त ये सचित प्रति है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध चित्र में क्या है, रात्रि में एक राक्षसी का एक राजा से साक्षात करते हुए दिखाया गया जोग बहिस्ते में। निजामी का खमसा की बात करें तो जसवंत और बसावन की कृतियां हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। ठीक है, जानीपुत तवारीख की बात करें तो ये मंगोलों का इतिहास है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जानीपुत तवारीख की बात करें तो मंगोलों का इतिहास इसमें दिया गया है। फिर तारीख़ अल्फ़ी की बात करें बच्चों, ठीक है, तारीख़ अल्फ़ी जिसमें फारसी अनुवाद है, दुनिया का इतिहास में बताया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तारीख़ अल्फ़ी में दुनिया का इतिहास है और जानी तवारीख में मंगोलों का इतिहास है, अकबरनामा अकबर का इतिहास है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी।
अब हम बात करेंगे अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों की। अभी तक प्रमुख किताबों की बातें थी, अब प्रमुख चित्रकारों की बातें करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्लियर करके चलेंगे और उसके बाद में कुछ फैक्ट पॉइंट्स पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चित्रकार हुए ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की बात करें तो मुगल शैली की जन्मदाताओं में एक, क्योंकि हिरात शैली, सिराजी शैली और हिंदू शैली का मिक्सर करने वाले यही हैं। हुमायूं के समय में भारत आए थे, यह जन्मदाताओं में एक हैं। आईने अकबरी के अनुसार इनकी मधुर व कोमल चित्र शैली सीरी कलम की उपाधि दी गई है, सीरी कलम की उपाधि। जन्म की बात करें तो इराक के प्रसिद्ध नगर सिराजी में इनका जन्म हुआ। दीन इलाही धर्म के अनुयायी थे। यह केवल श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं अपनी सुलिपि के लिए भी जाने जाते थे, लिखते अच्छा थे। ठीक है, अकबर के दरबार में अब्दुल समद को 400 मनसबदारी पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखोगे। तबरेज शैली की सहवी कलम, इनके जो आरंभिक चित्र मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो तबरेज शैली की सफवी कलम, ठीक है, से निर्मित थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर के दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक, ठीक है, सबसे प्रिय शिष्य दसवंत, यानी कि सिराजी के सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं वो दसवंत रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर हमजा चित्रावली को तैयार करने का काम इन्होंने किया, इनकी मृत्यु 1585 में हुई है। तैमूर नामा के अनुसार अकबर व हुमायूं इनसे चित्रकला की शिक्षा लिए थे। तैमूर नामा में ऐसा कहा गया है कि अब्दुल समद सिराजी से अकबर और हुमायूं ने चित्रकला यानी चित्रकारी करने की शिक्षा ली थी। तो ये हो गए। दूसरे आते हैं मीर सैयद अली जुदाई। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार, जन्म तबरेज में हुआ। सुल्तानिया शाह के दरबार में, उपनाम मैंने बताया आपको कि उपनाम इनका जुदाई है। ठीक है बच्चों, इनका उपनाम जो है वो जुदाई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, उपनाम जुदाई। अमीर हमजा चित्रावली पूर्व में मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल समद सिरा ने ही पूरा किया था, तो ये ध्यान रखो कि दोनों ने मिलकर के 1800 दृष्टांत चित्रों की रचना की थी इसमें। ठीक है, उनकी फारसी शैली का रूप भारतीय चित्र शैली में मिल करके मौलिक मुगल शैली के रूप में निखर कर अकबर शैली के रूप में ये प्रकट हुई थी, और यह चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि मीर सैयद अली जुदाई में ये बात थी। इनके प्रमुख चित्र की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। दूसरा आता है बहरांद था गणरिया गौवध करते हुए। ठीक है, अगला आ जाता है जहाक अली के पिता का सभी जामीकृत हाफत और रंग चित्रावली, ग्राम्य चित्रण में ये पारंगत थे, यानी कि जो मीर सैयद अली थे वे ग्राम्य चित्रण में पारंगत थे। मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण में पारंगत थे, ग्राम्य चित्रण इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम्य चित्रण बनाने में ये बहुत ही पारंगत थे। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे तो अगले हो जाते हैं बसावन। ये हिंदू अहीर थे। बसावन की बात करें तो हिंदू अहीर थे, अकबर चित्रकला के विशिष्ट चित्रकार थे ये। बसावन चित्र की पृष्ठिका बनाने में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या बनाने में माहिर थे, चित्र की पृष्ठिका बनाने में, छवि चित्रकारी यानी सभी बनाने में, भूदृश्यों के चित्रण, व्यंग चित्रकारी, रेखांकन रंगों का प्रयोग, इन सब करने में ये सिद्धस्थ थे, माहिर थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बसावन अकबरकालीन चित्रों में चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठ थे क्योंकि चित्रकला की सभी शैलियों का वो पारखी था। तो क्या बात क्लियर हुई, बसावन अकबर काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, ये बात क्लियर हुई। आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है, इनके चित्र रजमनामा, बहारिस्तान जामी,
दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। इन्होंने आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृत आकृतियों जिसकी स्थिति लाघों में अंकन किया गया है, वैसा अकबरकालीन कला में अन्यत्र दुर्लभ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बसावन, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इनसे क्वेश्चन तो जाएगा ही नहीं, यहां से प्रश्न पूछा ही जाना है बसावन के बारे में, क्योंकि बसावन जो है चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग किया करते थे, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य करते हुए 200 चित्रों का निर्माण किया है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बसावन के चित्रों में मजनू की आकृति एक आता है, मजनू की आकृति यानी कि एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ एक चित्रण किया है इन्होंने। दूसरी है, ठीक है, रिस्ताने जामी का चित्र, यानी कि इसमें शेख क्या हुआ है, अबुल कसाब को एक दरवेज यानी संत के दर्शन करते हुए अंकित किया गया है। तो ये दो चित्र जो है इनके बड़े मशहूर हैं, ध्यान रखोगे। बसावन के बाद अगले हमारे जो आ जाते हैं वो दशवंत हैं। दशवंत जो थे वो हिंदू कहार थे, आयने अकबरी कहती है। दशवंत जो है भारतीय देवी देवताओं का चित्रण, भित्तियों पर चित्रकारी तथा बेलबुट बनाने में, दीवारों पर लिखने आदि में सिद्धस्त थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बसावन और दशवंत, इनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना होगा। ठीक है, देखिए अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये दोनों ओल्ड थे, पुराने थे, लेकिन अकबर काल में जो महान कार्य किया है इन दोनों महान भावों ने किया है, कौन, बसावन और दशवंत ने। दशवंत जयपुरी आराइस शैली में सिद्धस्थ था, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, कैसे, जयपुरी आराइस शैली में सिद्धस्थ था। दशवंत मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गया था, पगला गया था, और उसने आत्महत्या कर ली, कब, 1584 में पगला गया और हत्या कर ली। दशवंत के चित्र में हस्ताक्षरित चित्र, ठीक है, हमजा चित्रावली, तैमूर नामा के एक चित्र की अनुकृति, रजम नामा के अनेक चित्र जयपुर गली के दशवंत के नाम से अंकित हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। फतेहपुर सीकरी में ईसाई पादरियों के रहने तथा प्रार्थना करने के लिए एक गिरजाघर बनवाया अकबर ने बनवाया, और उसमें दशवंत द्वारा ईसाई चित्र बनाने के लिए कहा गया था, तो दशवंत ने ईसाई चित्रण भी किया हुआ है फतेहपुर सीकरी में पादरियों के लिए। ठीक है, तो यह भी बात जो है आपको यहां पर क्लियर करके रखनी होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद मनोहर हुए, 1581 में इन्होंने आत्मचित्र बनाए। मनोहर के बाद में केशव की बात करें तो 1547 से 1598 में आत्मचित्र बनाया। इसके अलावा फारूक बेग हुए, ठीक है, 1580 में ये काबुल से आए थे, इनके चित्र पर मध्य एशियाई प्रभाव था, धीरे धीरे इन्होंने अपनी निजी शैली विकसित की और बाद में दक्षिण की कला इससे प्रभावित हुए, तो दक्षिण की कला से प्रभावित हो गए थे, तो दक्षिण की कला में, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करें तो शामल की बात करें ठीक है, तो ये क्या करते थे, युद्ध चित्र, ठीक है, युद्ध चित्र बड़े मार्मिक ढंग से बनाते थे, ठीक, बड़े मार्मिक ढंग से बनाते थे, युद्ध के जो चित्र हैं ये बड़े मार्मिक ढंग से बनाया करते थे। इसके साथ साथ यदि हम मिस्किन की बात करें, मिस्किन खैर इनमें नहीं है तो मिस्किन को लेकर के बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बसावन ठीक है, दशवंत के बारे में बात हुई, बसावन के बारे में हुई, ठीक, तो इन सभी चित्रकारों की हम बात करें, ठीक है, दशवंत और बसावन की बात करें तो शिष्य थे अब्दुल समद के,
और मुगल चित्रकला के संस्थापक के तौर पर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो मीर सैयद अली जुदाई होंगे, ये भी ध्यान रखोगे। मीर सैयद अली जुदाई मुगल स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रामायण का चित्रण बसावन ने किया है, ये भी ध्यान रखोगे। रामायण, रामायण का चित्रण बसावन ने रामायण का चित्रण किया है। इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बातें करें तो विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो दरबारी विषय वस्तु रही है। विषय वस्तु पूछा जाए कि अकबर के समय का तो दरबारी रहा है। नाटकीय कौशल के साथ तूलिका के गहरे रंग विख्यात थे। अकबर के समय में फारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं और दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बने हैं। रंग चमकदार थे, ठीक है। बाकी चमकदार रंग और बुझे हुए रंग और सफ़ेद रंग तीनों अलग अलग भागों में कलर को बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात जो हमें बताना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अकबर जो है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार, ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो यहाँ पर यदि श्रेष्ठ चित्रकार की बात की जाए, ठीक है, अकबर के समय का, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार, तो श्रेष्ठ चित्रकार थे अब्दुस्मद। उसके अलावा अकबर के समय का छवि चित्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छवि चित्रकार की बात करेंगे तो बसावन थे, ठीक है। छवि चित्रकार बसावन थे। और मुख्य चित्रकार की बात करेंगे, ये वर्डिंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने कहा बता दूं आपको। मुख्य चित्रकार की बात करेंगे तो मीर सैयद अली जुदाई, ठीक है, ये हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा निपुण पक्षी चित्रकार की बात करें, निपुण पक्षी चित्रकार की हम बात करें बच्चों, तो यहां पे मिस्किन हो जाएंगे। मिस्किन जो हैं पक्षी चित्रकार थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास रहेगी। अभी हम बात करें आपसे तो अकबर के समय की बात की जाए तो अभी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अकबर से संबंधित और भी बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से और भी कुछ फैक्ट पॉइंट हैं और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अकबर के समय के जो नवरत्न थे उनके बारे में बात की, अकबर के चित्रकार कौन से थे, अकबर के समय में कौन कौन सी ग्रंथों का जो चित्रण कार्य हुआ है इन पर बात किया, चित्रकार की विशेषताएं क्या रही, चित्रकार कैसे थे इन पर बात किया। लेकिन अभी बहुत सारे चित्रों पर चर्चा करना है, इनकी चित्रशाला पर चर्चा करना है, ठीक है। ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज तक की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे आपसे तो नेक्स्ट क्लास में अकबर के समय से ही और आगे लेकर चलेंगे, अकबर के कुछ फैक्ट पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, कल हम आपको 8 बजे फिर मिलेंगे इतने टाइम पर। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बढ़िया से करते रहें और जिन बच्चों को हमारी क्लास समझ में आ रही है वे लोग हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 50% डिस्काउंट के साथ, ओनली 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये में आपको एक क्लास दे दी जाएगी। तो आप सभी लोग जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, शुभरात्रि।